नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। दरअसल ग्वालियर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसंपर्क किया, जहां 3 घंटे में 3000 से ज्यादा बीजेपी नेता कार्यकर्ता सिंधिया से मिलने पहुंचे। इनमें ज्यादातर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद या फिर महापौर को टिकट चाहने वाले शामिल थे। वहीं जनसंपर्क के दौरान सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को पार्टी गाइडलाइन के तहत टिकट दिलाने का भी भरोसा जताया। आज जो मेरा प्रवास ग्वालियर का रहा है, कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूं और सभी लोगों से मैं मिल भी रहा हूं। सबकी जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, उनका समाधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रत्याशी भी आए हैं, सभी से मेल मुलाकात हो रही है और अंत में हमारी पार्टी निर्णय लेगी और जो पार्टी निर्णय लेगी वो सरमाथे सब पे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम इस निकाय चुनाव में भी पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में लहराएगा। कब तक हो जाएगा टिकटों का ऐलान? तो कि देख रहे हैं, अब शुरुआत हो चुकी है काव्या, अब जल्द जल्द हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अब हमारी पार्टी में जो पद्धति है आपको मालूम है, विचार विमर्श करने के आधार पर निर्णय लिया जाता है और अनुशासन के आधार पर जो पार्टी निर्णय लेती है वो सर माथे सबका होता है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं।